एल्डिहाइड और कीटोनों के विरचन की एक और महत्वपूर्ण विधि है एल्काइनों के जल योजन के द्वारा इस विधि में मर्क्यूरिक सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में जब एल्काइनों का आ, यहाँ पर जल योजन किया जाता है और हम कहें कि यदि केवल जब हम एथाइन का यहाँ पर जल योजन करते हैं तो हमें एसीटेल्टिहाइड प्राप्त होता है लेकिन इसके अलावा अन्य एल्काइनों का जब हम जल योजन करते हैं तो हमें कीटोन्स प्राप्त होते हैं यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जो जल योजन आ, की क्रिया हो रही है वह मॉर्कोनी कॉफ़ के रूल के अनुसार होती है लेकिन यहाँ पर जब आ, हम एस्टलीन लेते हैं तो एस्टलीन में क्योंकि यह सममित है इसमें दोनों तरफ सिर्फ आ, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके दोनों और एक एक ही आ, कार्बन है इसलिए यहाँ पर जो आ, जल का योजन है वह समान रूप से आ, किसी भी तरह से हो सकता है लेकिन जब हम यहाँ पर असममित एल्काइन लेते हैं तो उस समय यहां पर जल योजन जो होगा हाइड्रेशन जो होता है वह कॉफ़ के रूल के अनुसार होता है जैसे यहां पर हम पहले उदाहरण लेते हैं एस्टेलिन का एस्टलिन में हम जानते हैं कार्बन कार्बन के मध्य तीन बंद ट्रिपल बोन पाया जाता है अब यहां पर यह जो पहले सबसे पहले इस क्रिया में मर्क्यूरिक सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में यहाँ पर एस्टलिन का पहला पाईबंद यहाँ टूटता है और यहाँ पर हम ले जल जल में हम जानते हैं कि जो यह ओ एच माइनस और एच प्लस के रूप में होगा तो यहाँ पर हम देखें कि कोई भी चूंकि यह एस्टलीन अभी सममित है इसलिए इसमें से जल का एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर तथा हाइड्रोक्सिल समूह दूसरे कार्बन पर जुड़ जाता है और इस तरह से जो हमें संरचना प्राप्त हो रही है इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है यानी कि यहाँ पर इन उपस्थित है और साथ ही साथ कार्बन पर एक हाइड्रॉक्सिल समूह है यानी कि ऑल उपस्थित है तो इस जो संरचना हमें प्राप्त हो रही है इसे हम कहते हैं इनॉल रूप लेकिन ये जो इनोल रूप होता है वो अनस्टेबल होता है अस्थाई होता है और, और इसमें आगे व्यवता, टोटोमेरिज्म के द्वारा यह एक स्थायी रूप जिसे हम कीटोन रूप कहते हैं में परिवर्तित हो जाता है तो यहाँ पर यहाँ पर हम देखें क्या होगा कि जो आ, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है यह ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को ऑक्सीजन कार्बन को दे देगा जिससे यहाँ पर द्विबंध आ जाएगा और इसकी वजह से जो कार्बन कार्बन के बीच जो द्विबंध का पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा इसलिए कार्बन पर यहां पर जो सी एच टू वाला कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अब चूंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज जा आ जाता है और चूंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर पॉजिटिव चार्ज होना अस्थाई अस्थायित्व तो को दर्शाता है इसलिए अब यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है उसको अपने साथ ले लेगा और जो हाइड्रो रोजोन बच रहा है यह प्रोटॉन के रूप में जाकर CH2 जिस पर नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर उससे जाकर जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें एक जो नई संरचना मिलेगी वो होगी CH3 C डबल बॉन्ड OH तो इस तरह से हमें एल्डिहाइड रूप यहां पर प्राप्त हो जाएगा तो इस तरह से सममित जो एल्काइंस हैं यानी कि एसीटलीन पर आ, जल योजन के द्वारा हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं अब हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें हम ले रहे हैं यहां पर प्रोपाइन प्रोपाइन में हम देखेंगे कि इसका जो सूत्र है यह सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच तो यहां पर हम देखें कि अब जब जल योजन होगा तो उसमें मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार होगा और मार्कानिकोफ का जो रूल है उसके अनुसार जो जुड़ने वाले समूह का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिससे जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है इसलिए यहाँ पर जो ओएच समूह है वो मध्य वाले कार्बन पर जुड़ेगा जबकि हाइड्रोजन है वह वा किनारे वाले पहले कार्बन पर जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें पुनः हम देख रहे हैं कि एक जो संरचना प्राप्त हो रही है उसमें एक द्विबंध उपस्थित है यानी कि ईन तथा एक जो किनारा फर्स्ट कार्बन है उसमें यहाँ पर समूह, समूह समू उपस्थित है। तो इस तरह से हमें फिर से यहाँ पर एक नई संरचना मिली है जिसे हम कहेंगे इनोल रूप और रूप पुनः के द्वारा एक कीटो, कीटोल रूप में परिवर्तित हो जाएगा जो कि ज्यादा स्थायी अवस्था होती है और इस तरह से हम यहाँ पर देखें कि हमें जो उत्पाद के तौर पर कीटोन प्राप्त होंगे तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एल्काइन हैं वह जल योजन के द्वारा हमें एल्डीहाइट देते हैं जबकि उसके अलावा अन्य जो एल्काइन होंगे वो सभी हमें कीटोन देते हैं इसके अलावा यदि हम यहाँ पर एरोमेटिक एल्काइन का उपयोग करते हैं आ, तो वहाँ उससे हमें एरोमेटिक कीटोन भी प्राप्त हो जाएंगे इसी तरह से तो यह है एल्काइनों के जल योजन द्वारा हम कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद हम अगली विधि की तरफ चलते हैं इसके बाद हम कुछ ऐसी विधियों को जानेंगे जिसके द्वारा हम केवल एल्डिहाइडों का विरचन कर सकते हैं एल्डिहाइडों को प्राप्त करने की जो विधि है वह है नाइट्राइल के अपचयन के द्वारा एल्किल नाइट्राइल जिसका सामान्य सूत्र होता है आर सी एन जिसमें कि कार्बन और नाइट्रोजन पर त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है जब इनकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो ये क्लोराइड के द्वारा अपचयित हो जाते हैं तथा संबंधित एल्किल इमीन में परिवर्तित होते हैं और ये जो एल्किल इमीन प्राप्त होते हैं यह आगे अपघटन के द्वारा एल्डिहाइड देते हैं यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पर जो क्लोराइड है यह एक अपचायक के रूप में कार्य करता है यह स्वयं आक्सीकृत होता है यहाँ पर हम देखें जो स्टेनस क्लोराइड है इसमें स्टेनस की आक्सीकरण अवस्था प्लस टू है और यह यहाँ पर प्लस टू से प्लस फोर में कन्वर्ट होता है और इस तरह से यह दो इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है यहां पर हम देखें जो नाइट्राइल है जैसे यहां पर हमने लिखा है लिया है एथेन नाइट्राइल सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन तो यहाँ पर जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच तीन बंध हैं उसमें से एक बंध टूटता है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पर ऋण आवेश होता है जबकि कार्बन पर धनावेश होता है और इस तरह से हमने देखा जो स्टेनस के स्टैनिक में कन्वर्ट होने पर जो दो इलेक्ट्रॉन जोड़े निकलते हैं वह कार्बन को प्राप्त हो जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों पर यहाँ पर ऋण आवेश आ जाता है और इस स्थिति में अब चूंकि यहाँ पर दोनों पर ऋण आवेश है तो अब यहाँ पर जो एच हमने यूज किया है हाइड्रोजन क्लोराइड जो हमने यूज किया है तो यहाँ पर इससे दो हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं और ये दोनों ही हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन कार्बन से और दूसरा हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जाकर जुड़ जाता है और इस तरह से हमें जो संरचना प्राप्त होगी वो हो जाएगी सी सी एच डबल बॉन्ड एन एच और इसे हम कहेंगे एल्किल इमीन ये जो संरचना होती है ये आगे यह जल अवघटित होगी और जल अवघटित होने पर हम देखेंगे कि जो जल के अणु में से जो ऑक्सीजन है वह कार्बन से जुड़ जाता है और जबकि जो दो हाइड्रोजन है वह नाइट्रोजन से जुड़ जाते हैं और इस तरह से हमें यहाँ पर सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड ओ यह एल्डिहाइड प्राप्त होता है साथ ही साथ यहाँ पर अमोनिया अलग हो जाती है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एल्किल नाइट्राइल के अपचयन के द्वारा हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं इसी तरह से हम यहाँ पर एक और विधि देख सकते हैं इसी तरह का एक और अभिकर्मक है जिसे डाइबल एच कहा जाता है यह अभिकर्मक भी नाइट्राइलों को एसिड को एसिड क्लोराइड को अथवा एस्टर को अपचयित करके हमें एल्डिहाइड देता है यहाँ पर हम देखें डाइबल एच जिसका फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर यह जो इसकी संरचना हम देख सकते हैं इसमें हम जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम है उसकी संयोजकता तीन होती है तो इसकी एक संयोजकता तो हाइड्रोजन से पूरी हो रही है और इसकी जो दो संयोजकता होती है वह आइसोब्यूटाइल समूह से पूरी होती है तो इस तरह से यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ दो आइसोब्यूटाइल समूह जुड़े होते हैं जबकि एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और इस तरह से ये जो एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है यही यहाँ पर अपचयन का करता है। तो जब हम यहाँ पर एल्किल का उपयोग करें या फिर हम यहाँ पर एसिड का उपयोग करें एसिड क्लोराइड का उपयोग करें या फिर एस्टर का उपयोग करें ये यह सभी यहाँ पर डाइबल एच अभिकर्मक के द्वारा अवघटित होकर पहले यहाँ पर एक योगात्मक उत्पाद देते हैं और जो कि आगे जल अवघटित होकर यह हमें एल्डिहाइड देते हैं जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइट्राइल नाइट्राइल का जब हम डाइबल एच के साथ यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर भी हमें पहले एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होगा यहाँ पर भी जिस तरह से जैसे यहाँ पर हमने लिया है सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन जब इसकी डाइबल एच के साथ क्रिया होगी तो यहाँ पर दो हमें हाइड्रोजन प्राप्त होंगे जो कि दोनों हाइड्रोजन एक कार्बन से और दूसरा नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा और इस तरह से हमें संबंधित इमीन प्राप्त होंगे और ये इमीन आगे जल अपघटित होकर एल्डिहाइड देंगे तो इस तरह से एस्टर भी डाइबल एच के द्वारा अपचयित होकर हमें एल्डिहाइड देते हैं तो ये थी एल्डिहाइडों को प्राप्त करने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां इसके बाद हम देखते हैं कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइडों को के निर्माण की विधियों को तो एरोमेटिक एल्डिहाइडो का निर्माण करने के लिए हम प्राय बेंजीन के व्यत्पन्नों का उपयोग करते हैं जैसे कि यहां पर हम ले सकते हैं बिंजिन का मेथिल व्युत्पन्न है जिसे हम टालुइन भी कहते हैं तो टालुइन बेंजिन के एल्किल एल्किनों का ऑक्सीकरण करके हम एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यदि यहाँ पर तीव्र ऑक्सीकारकों का उपयोग जैसे किया जाता है जैसे कि पोटेशियम पर तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया आ, सीधे जो एल्किल बेंजीन है वह सीधे अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं लेकिन यदि हम यहाँ पर उपयुक्त ऑक्सीकारकों का उपयोग करें तो यहाँ पर जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ऑक्सीडेशन की क्रिया को आ, रोका जा सकता है और एल्डिहाइड प्राप्त किया जा सकता है तो इसके लिए आ, अलग अलग प्रकार के ऑक्सीकारकों का उपयोग किया जाता है जैसे कि एक ऑक्सीकारक है क्रोमिल क्लोराइड तो यहाँ पर क्रोम क्रोमिल क्लोराइड जिसका सूत्र होता है सी आर ओ टू सी एल टू क्रोमिल क्लोराइड जहाँ की क्रिया के द्वारा हम जो एल्किल बेन्जीन है जैसे कि हमने यहाँ पर टालुइन लिया है तो टालुइन का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ पर एक माध्यमिक उत्पाद प्राप्त होता है जिसे क्रोमियम संकुल कहा जाता है यहाँ पर आप अभिक्रिया को देख सकते हैं कि कार्बन डाइसल्फाइड विलायक में जब हम टालुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टालुइन में आ, जो मेथिल समूह है उसमें आ, कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है इसमें से आ, दो हाइड्रोजन के साथ जो यहाँ पर जो क्रोमिल क्लोराइड हमने लिया है वह समूह यहाँ पर अटैच हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमें प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं क्रोम आ, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स और ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आगे जब इसका जल अपघटन होगा तो यहाँ पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं तो इस तरह से यहाँ पर हम क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग के द्वारा कंप्लीट ऑक्सीकरण को रोक कर एल्डिहाइड uh, प्राप्त कर सकते हैं और इसी तरह से ये जो अभिक्रिया कहलाती है उसे हम इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं इसी यहाँ पर जो आक्सीकरण हो रहा है वो पार्शल आंशिक आक्सीकरण हो रहा है दूसरी ओर यदि यह, यहाँ पर हम तीव्र ऑक्सीकारक ले इसी जगह पर यदि पोटेशियम परमेनेट का उपयोग करते हैं तो जो आक्सीकरण की क्रिया है वो एल्डिहाइड पर रुकती नहीं है और सीधे हमें एसिड जैसे कि यहाँ पर बेंजिन हमने टालुन लिया है तो हमें वहाँ पर बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा तो इसी तरह से यहाँ पर एक और आक्सीकारक का उपयोग हम कर सकते हैं और वह है क्रोमिक ऑक्साइड जिसका सूत्र है सी आर ओ थ्री इसके द्वारा भी हम बेंजिन व्यत्पन्न का जैसे कि एल्किल बेंजिन जिसे हम टालुइन कहेंगे टालुइन के ऑक्सीकरण के द्वारा हम यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो क्रिया होती है उसमें टालुइन की क्रिया एसिड एंड हाइड्राइट की उपस्थिति में ए, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ कराई जाती है जिससे भी यहाँ पर हम देखेंगे कि बेंजलीडीन एसिटेट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो बेंजीन रिंग है उसके दो दो हाइड्रोजन है वह आ, इ, जो एथर से जो एस्टर से जो एसिटिक एंड से प्राप्त जो एसिटेट समूह है सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री सी ओ ओ समूह के द्वारा रिप्लेस हो गए हैं और इस तरह से यह जो एक माध्यमिक संरचना हमें प्राप्त होती है इसका जब हम आगे जल अवघटन करते हैं तो इससे हमें बेंजल डिहाइड प्राप्त हो जाते हैं तो यह भी बेंजल डिहाइड प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण विधि है इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण विधि देखते हैं वह है जो कि औद्योगिक उत्पादन के दृष्टि से भी बेंजलडीहाइट के या एरोमेटिक एल्डिहाइड के औद्योगिक उत्पादन के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है यह होती है जो प्रतिस्थापित बेंजीन के जो जो साइड चैन है उसके क्लोरिनेशन और उसके पश्चात उसके हाइड्रेशन के द्वारा तो यह विधि है साइड चैन क्लोरिनेशन यानी कि पार्श्व श्रृंखला क्रोनिनीकरण के द्वारा यहां पर हम जो क्रिया कराई जाती है वो क्लोरीन के साथ जो टालुइन जैसे हमने लिया है बेंजिन का एल्किल व्युत्पन्न टालुइन जब इसकी क्रिया सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट लाइट में जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जो मेथिल समूह है उसका दो हाइड्रोजन क्लोरीन दो क्लोरीन परमाणुओं के साथ यहाँ पर यह प्रतिस्थापित हो जाता है और इस तरह से यहाँ पर हमें बेंजलोडीन क्लोराइड बेंजलिडीन डाई क्लोराइड हमें प्राप्त होता है सूत्र आप देख रहे हैं बेंजिन रिंग है जिसमें कि जो कार्बन मेथिल समूह जुड़ा हुआ है उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है जबकि दो यहां पर सीएलटू समूह जुड़े हुए हैं अब जब इस समूह का ये जो संरचना में प्राप्त हुई है जो कि यहाँ पर जो क्लोरीन परमाणु होते हैं वो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं इसलिए कार्बन और सी के बीच का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है उसको लेकर यहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं जबकि यहाँ पर जब इसका हम आगे जल अपघटन करेंगे तो उस समय उसकी जगह पर जो जल के ओ एच समूह है समूह है दो यहाँ पर जुड़ जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बेंजिन रिंग है उससे जुड़ा हुआ जो आ, यहाँ पर कार्बन है उसमें एक ही कार्बन पर दो हाइड्रॉक्सिल समूह डाई ऑल यहाँ पर प्राप्त होते हैं और चूंकि एक ही कार्बन पर जब दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं तो यह जो स्थिति होती है बहुत ही अस्थायी होती है और इसलिए अब इसमें से तुरंत जल का एक अणु बाहर निकल जाता है और इस तरह से हमें एल्डिहाइड यानी कि बेंजल प्राप्त होते हैं तो यह विधि बहुत ज़्यादा औद्योगिक महत्व की विधि है यानी कि बेंजल डिहाइट के अधिक मात्रा में विरचन करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है